आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन करी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे हम कुकर में बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। बिल्कुल अलग तरीके से बनाने वाले हैं, कोई भी बना सकता है, इतना आसान तरीका है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। आप सबको पसंद आने वाली है, आप जिसको खिलाएंगे उसे भी बहुत पसंद आएगी। तो ये बनाना स्टार्ट करते हैं, ये मटन करी। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा गीताकेनो.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दिया होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए और जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मटन करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो मटन लिया है, और अगर आप कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे मैरिनेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप प्याज और टमाटर के साथ लहसुन अदरक पीस लें। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो मटन करी है वो खट्टा बन जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए आप हाथ अच्छे से साफ कर लें, क्लीन कर लें, या फिर आप इसे स्पून से भी कर सकते हैं, पर हाथ से बहुत अच्छे से होता है तो इसलिए मैं यहाँ पर हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि जितना भी मसाला है वो मटन को अच्छे से कोट कर ले। तो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, जितना भी मटन है वो अच्छे से कोट हो जाना चाहिए मसाले के साथ, तभी इसमें अच्छा मैरिनेशन होता है और तभी जितने भी मसाले वगैरह हैं वो अंदर तक चले जाते हैं मटन में। और इस तरह से मिक्स करके आप इसे ढक कर रख दें, तब तक हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है करीब 3 बड़े लाल टमाटर और प्याज ली है मैंने करीब 5, यहाँ पे जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। हमें इसे पीसना है, इसका पेस्ट तैयार करना है। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप इसमें लहसुन और अदरक डाल के भी पीस सकते हैं। तो टमाटर को हम इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे, मोटा मोटा काटना है, बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा टमाटर ना ऐड करें, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसे पीसने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड ना करें। अब इसे हम पीस लेते हैं, इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैंने गैस पे एक कुकर चढ़ाया है, इसके अंदर मैं ऐड करी 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल। यहाँ पे मैंने मटन की क्वांटिटी ज़्यादा ली है इसलिए तेल ज़्यादा डलेगा। अगर आप मटन कम डाल रहे हैं तो तेल कम डालें, तेल को अच्छे से तेज़ गर्म होने देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ साबुत मसाले, 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची और कुछ काली मिर्च के दाने, 3-4 लौंग और 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा। तो ये हम ऐड कर देंगे और तेल काफ़ी अच्छे से गर्म है, इसे हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था प्याज और टमाटर का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ध्यान से ऐड करें क्योंकि तेल काफ़ी स्टम पर गर्म है। तो ये मैंने सारा पेस्ट ऐड कर दिया है, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, नमक हमने मैरिनेशन में भी ऐड किया है इसलिए बहुत ध्यान से ऐड करें। और 2 चम्मच मैं यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम मीट मसाला ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मटन करी में। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ज़रूर डालें। और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून देगी मिर्च।
देगी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। देखने में मटन करी बहुत ही अच्छी लगती है इससे। तो अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे, और इसे मैं मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। मैं इसको आपको पास से भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए साइड से आप देख सकते हैं किस तरह से मसाले ने तेल छोड़ दिया है। जैसे मसाला तेल छोड़ दे तब इसमें हम ये मैरिनेट किया हुआ मटन ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैरिनेट करने के बाद मटन ने पानी छोड़ दिया है, तो काफ़ी अच्छे से जो मसाले हैं वो अंदर तक चले जाते हैं मटन के मैरिनेशन से। तो इससे बहुत ही अच्छी मटन करी बनती है। तो अब हम मटन को अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ, और इसे हमें भूनना है 10 मिनट तक करीब हाई फ्लेम पे, तो जिससे कि जितना भी इसका मॉइस्चर है वो सारा सूख जाए। हमें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रखना है, इसे अच्छे से भूनना है तभी इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे मैं हाई फ्लेम पे ही भूनूंगी ताकि ये जल्दी से भून जाए। तो इसे 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये पानी छोड़ता जा रहा है। जिस तरह से मैं इसे भून रही हूँ तो ये और पानी छोड़ रहा है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसे भूनते रहेंगे इसका सारा पानी सूख जाएगा और मसाला तेल छोड़ देगा। तो इस तरह से आप इसे बीच बीच में चलाते रहें और 10 मिनट तक करीब इसे भूने। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मसाले ने तेल छोड़ दिया है। ये देखिए ऊपर नज़र आ रहा है तेल, ये देखिए तेल ऊपर नज़र आ रहा है। जब इस तरह से तेल नज़र आने लगे उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए किस तरह से इसमें तेल नज़र आ रहा है। इसकी खास बात यही है कि जब आप इसे अच्छे से भूनेंगे तभी ये टेस्टी बनेगा, अगर आप इसे कम भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। तो इसलिए आप इसे 10 मिनट तक ज़रूर भूनें। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके हिसाब से पानी ऐड करें। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं ग्रेवी थोड़ी पतली रखूँगी, मीडियम रखूँगी, बहुत पतली भी नहीं बहुत गाढ़ी भी नहीं, क्योंकि मैं इसे चावल के साथ सर्व करूँगी। तो आप अपने हिसाब से अगर गाढ़ी रखना चाहते हैं गाढ़ी रखें, पानी कम डालें, अगर पतली रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसमें मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी। तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो इसे 1 घंटा लग जाएगा बनाने में, पर कुकर में ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो इसे मैंने बंद कर दिया है और इसमें मैं हाई फ्लेम पे 4 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद गैस को लो मीडियम पे कर दूंगी, उसके बाद मैं 7 से 8 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने अब गैस बंद कर दी है, इसका प्रेशर निकाल दिया है, इसे हम खोल लेते हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कैसा बना है। तो इस तरह से इसका मैंने ये प्रेशर निकाल लिया है, ढक्कन खोल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना है, कलर आप देख सकते हैं ग्रेवी का कितना अच्छा आया है, क्योंकि इसमें हमने देगी मिर्च का इस्तेमाल किया था जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही ज़्यादा ये बढ़िया बनता है। आपको दिखाती हूँ इसे चेक करके भी कि ये गल चुका है या नहीं। तो इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, मैंने मीडियम रखी है। इसे चावल के साथ सर्व करूँगी, तो अगर आप गाढ़ी रखना चाहते हो तो गाढ़ी बना सकते हैं, पानी कम ऐड करें। तो अब इसका हम पीस चेक कर लेते हैं ये गला है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटन अच्छे से गल चुका है, ये देखिए काफ़ी अच्छे से टूट गया ये दबाने पर, तो ये बिल्कुल गल चुका है। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए, जिससे कि इसका कलर और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर ऑयल आ जाता है जिससे कि ये देखने में और अच्छा लगता है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए जो इसकी ग्रेवी है वो मीडियम है, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है इसका। तो बिल्कुल ये अगर आपने रेस्टोरेंट में खाया हो तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल वैसे ही लगता है। तो अब आप इसे घर पे बना सकते हैं, कितना इजी तरीका है, कोई भी बना सकता है चाहे उसने पहले कभी ना बनाया हो। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसे बना पाएंगे। तो अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो जो आपका फीडबैक है वो ज़रूर दें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं मुझे। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपकी जो रेसिपी है वो कैसी बनी। तो मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।